हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल मानसी सेल्फ ब्लॉग। मैं हूं शैलेंद्र और आज आप देख रहे हैं कि मैं अकेला ही हूं। मानसी यहां पे नहीं है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम अकेले ही वीडियो करेंगे। तो ऐसी है हमारी प्रोडक्ट रिव्यू सीरीज और इसमें हम आपके लिए लाते हैं ढेर सारे वंडरफुल प्रोडक्ट, बजट प्रोडक्ट जो कि आप अपने घर में यूज कर सकते हैं तरह तरह की आपकी जरूरतों के लिए। तो ऐसा ही आज हम एक आपके लिए प्रोडक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है वाईफाई एक्सटेंडर। तो गाइस, ये एक टीपी लिंक का AC750 वाईफाई एक्सटेंडर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वाईफाई एक्सटेंडर होता क्या है। सपोज कीजिए कि आपके घर में, आपका एक बड़ा सा घर है जिसमें दो तीन कमरे हैं और एक कमरे में वाईफाई लगा हुआ है, बट कभी कभी आपको क्या होता है कि दूसरे कमरे में वाईफाई की रेंज नहीं मिलती है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाईफाई एक्सटेंडर यूज कर सकते हैं। इसको आपको मिडल में लगाना पड़ेगा जहां पे एक तरफ आपका राउटर लगा हुआ है और उसके लास्ट पॉइंट पे जहां तक राउटर का नेटवर्क मिल रहा है वहां पे आपको वाईफाई एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा। और उसका इससे क्या होगा कि आपका जो रेंज है वाईफाई नेटवर्क का वो काफी दूर तक मिल जाएगा आपको। जैसे कि हमारे केस में क्या है कि हमारा जो वाईफाई है वो बेडरूम में लगा हुआ है और हमारा हॉल है, इसकी डिस्टेंस करीब करीब 35 फुट होगी, तो हमको प्रॉपर सिग्नल वहां पर नहीं मिलता है। तो हमने क्या किया कि ये वाईफाई एक्सटेंडर को हम बीच में लगा देते हैं तो हमको काफी बढ़िया नेटवर्क अपने हॉल में मिल जाता है। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले मैं तो बता दूं, ये आता है 3 साल की वारंटी के साथ और इसकी प्राइस है 1899 और ये हमने अमेजोन से परचेस किया है। तो ये काफी बजट रेंज वाईफाई एक्सटेंडर है और ये आता है डुअल बैंड के साथ, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5.0 गीगाहर्ट्ज। डुअल बैंड के लिए मैं कहूंगा कि आप जब भी वाईफाई एक्सटेंडर खरीदें हमेशा डुअल बैंड के लिए जाएं। सपोज आपके पास करंटली अगर आपके पास डुअल बैंड राउटर आपका नहीं भी है तब भी आप डुअल बैंड वाईफाई एक्सटेंडर लीजिए। कल के दिन अगर आप अपना वाईफाई अपग्रेड करते हैं तो उसके लिए आपको फिर दोबारा एक्सटेंडर अपना अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या है। गाइस, ये है इसमें सेटअप। गाइस, कैसे इसको सेटअप करना है इसकी सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। ये भी कुछ कैटलॉग है और ये है हमारा प्रोडक्ट। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें ये 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहले है ये सिग्नल के लिए 5G का है। इसके बाद ये जो सिग्नल, ये जो आपको निशान दिख रहा है, ये एक लाइट है जो कि ये लाइट आपको बताती है कि आपके पास सिग्नल कैसा आ रहा है आपके वाईफाई राउटर का। उसके बाद जो नीचे वाला जो सिग्नल है ये आपके इथरनेट का है और ये एक WPS के लिए बटन दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक ये इथरनेट पोर्ट भी दिया गया है जिसके थ्रू आप अगर चाहो तो डायरेक्ट अपने इक्विपमेंट्स को इससे कनेक्ट कर सकते हो लैन वायर के थ्रू। और ये साइड में एक बटन दिया गया है रीसेट का। तो गाइस, अब हमको जैसे कि आपको पता लगाना है कि इसके लिए परफेक्ट लोकेशन कहाँ है लगाने के लिए, तो सबसे पहले आपको इस वाले सिग्नल पर ध्यान देना है। अगर ये सिग्नल आप अपने वाईफाई राउटर से दूर लेते चले जाते हो और ये ग्रीन रहता है, ग्रीन का मतलब है कि आपके लिए सूटेबल लोकेशन है। लेकिन जैसे ही ये रेड होना स्टार्ट हो जाएगा दैट मीन्स कि आप अपने वाईफाई के नेटवर्क से बाहर निकल गए और वाईफाई के नेटवर्क के बाहर आपका राउटर लगाने का कोई मतलब नहीं है। आपको इस एक्सटेंडर को अपने वाईफाई नेटवर्क के अंदर में ही लगाना है। तो इस सिग्नल से आप जान सकते हो कि आपके लिए सही लोकेशन क्या है। तो गाइस, इस वाईफाई एक्सटेंडर को कॉन्फ़िगर करना काफी इजी होता है। 3 तरीके से आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। एक इसका मोबाइल ऐप होता है, उसके थ्रू आप कर सकते हो, आप वेब ब्राउजर के थ्रू करते हो, और एक जैसे कि मैंने बताया ये WPS का बटन होता है, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। इसके कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूरी गाइड आती है जो कि उन्होंने दे रखी है, जिसके थ्रू आप सारे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है। तो गाइस, अब मैं आपको बताने वाला हूं हम इस वाईफाई एक्सटेंडर को कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि हम इसको अपने राउटर से कनेक्ट कर सकें और हम अपना वाईफाई की जो रेंज है वो बढ़ा सकें। तो गाइस, अभी मैंने इस वाईफाई एक्सटेंडर को प्लग इन कर दिया है। अब हमें इस वाईफाई एक्सटेंडर को सबसे पहले अपने PC से कनेक्ट करना है। तो जब हम अपने सारे वाईफाई नेटवर्क्स ओपन करते हैं तो हमें एक ये TP लिंक एक्सटेंडर करके दिखता है, तो इसको हमको कनेक्ट करना है। तो गाइस, इसके बाद हमको ओपन करना है ब्राउजर और हमको ये लिंक है जो टाइप करना है यहाँ पे, ये वाली लिंक हम टाइप कर देंगे। इसमें सिर्फ एक IP एड्रेस है, इसके बाद हम इसको कर देंगे एंटर। भाई, जैसा कि आप देख रहे हो एंटर करने पर ये एक नया पोर्टल खुल गया है और यहाँ पे हमको अपना पासवर्ड एंटर करना है। तो गाइस, यहाँ पे हम अपना पासवर्ड एंटर कर देते हैं। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और हम कर देते हैं स्टार्ट। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो हमारा वाईफाई एक्सटेंडर का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो गया है। अब हमको चूज करना है कि हमें किस नेटवर्क को कनेक्ट करना है। तो गाइस, जैसा देख सकते हो इसमें कई सारे नेटवर्क दिखा रहा है, तो इसमें से जो मेरा नेटवर्क है वो ये है। तो अब हमें अपने वाईफाई का इसमें पासवर्ड डालना पड़ेगा।
ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। तो अभी जो मैंने पासवर्ड डाला था वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाले के लिए डाला था। अब क्योंकि जो मेरा वाईफाई राउटर है वो डुअल बैंड का है, तो अब मैं जो दूसरा इसको कनेक्ट करूंगा वो मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले के लिए भी कनेक्ट करूंगा, तो उसका भी पासवर्ड मुझे यहाँ पर डालना पड़ेगा। मेरे केस में मैंने दोनों पासवर्ड सेम रखे हुए हैं जो मेरे वाईफाई राउटर के लिए हैं, तो मेरा वाईफाई राउटर दो नेटवर्क देता है, तो इसका भी पासवर्ड मैं यहाँ पर डाल दूंगा। मैंने ये पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ से हमको करना है कंफर्म। जैसे कि आप देख सकते हो ये है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और ये है 5 गीगाहर्ट्ज़। तो मैं अपने दोनों ही वाईफाई नेटवर्क के लिए अपने वाईफाई एक्सटेंडर को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। आप चाहो तो एक के लिए कर सकते हो, इसको कर देंगे कंफर्म। तो गाइस देखिए कि यहाँ पे ये ऑलरेडी इसने नेम के आगे EXT लगा दिया है, जो कि हमारे एक्सटेंडर के का नेटवर्क का नेम होगा। तो हमारा एक्सटेंडर भी डुअल बैंड है, तो इससे ये दो नेटवर्क पे चलेगा, ये हमको दो नेटवर्क देगा 2.4 एंड 5 गीगाहर्ट्ज़। तो 5 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इसने लिखा हुआ है 5 गीगाहर्ट्ज़ अंडरस्कोर EXT और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के लिए इसने लिखा हुआ है सिंपली EXT। तो इसको हमको सिंपली कर देना है नेक्स्ट। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया है और इसको कर देना है डन। जैसे कि आप देख सकते हो कि कहाँ पे हमको अपना वाईफाई एक्सटेंडर प्लेस करना है, इस इमेज के द्वारा इसने बताया हुआ है कि अगर हमारा वाईफाई राउटर यहाँ लगा हुआ है तो हमको जो लगाना है अपना एक्सटेंडर वो इस वाईफाई राउटर का जहाँ तक रेंज है उस रेंज में होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको रेंज के बाहर लगा दिया और आप सोचें कि आपको नेटवर्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो भी वाईफाई एक्सटेंडर आपको लगाना है वो इस वाईफाई राउटर की रेंज में होना चाहिए। तो इसलिए ये इमेज ओके है और ये यहाँ पर टू फार दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एक्सटेंडर है वो रेंज के बाहर चला गया है। इसको कर देना है सिंपली डन और इसको कर देंगे फिनिश। तो गाइस ये थी इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, ये डन हो गई है। अब हमको जो भी हमारा एक्सटेंडर है उसको रिबूट करना पड़ेगा, तो मैं इसको रिबूट करता हूँ, फिर हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं इंटरनेट चल रहा है या नहीं। तो गाइस एक्सटेंडर को रिबूट करने के बाद हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने पीसी के नेटवर्क से। तो हमको जाना है इधर। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये जो है एस करे ये मेरे वाईफाई का नेटवर्क आ रहा है और जो एस करे अंडरस्कोर EXT है ये मेरे वाईफाई एक्सटेंडर का नेटवर्क आ रहा है। मेरा जो ये लैपटॉप है ये 5 गीगाहर्ट्ज़ को सपोर्ट नहीं कर सकता है, इसलिए दोनों ही नेटवर्क यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहे हैं। एक जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का है वाईफाई राउटर का वो और एक जो 5 गीगाहर्ट्ज़ का है एक्सटेंडर का, वो दोनों ही हमको नहीं दिखेंगे। तो सिंपली अब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम ये पासवर्ड जो भी हमने सेट किया था पहले स्टेप में, वो हमको यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो गाइस अब कनेक्ट हो गया है नेटवर्क और हम देखते हैं इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है। पर ये इंटरनेट काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, जैसा कि मेरे चैनल का पेज खुल गया है। तो गाइस ये था कि हम कैसे इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसको कॉन्फ़िगर करने के और भी दो तरीके होते हैं, इसको आप मोबाइल ऐप के थ्रू कॉन्फ़िगर कर सकते हो, दूसरा इसमें जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ WPS बटन, उसके थ्रू भी आप कनेक्ट कर सकते हो। तो टोटल मिला के तीन तरीके हैं जिनके थ्रू हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो गाइस ये था हमारा रिव्यू इस वाईफाई एक्सटेंडर के लिए और मैंने बताया आपको कैसे इसको कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो अगर आप चाहें तो आप अपने यूज के लिए इस वाईफाई एक्सटेंडर को खरीद सकते हैं। अगर आप रेटिंग की बात करें तो मैं दूंगा इसको 4 out of 5। तो गाइस वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वाईफाई एक्सटेंडर के लिए तो आप भी कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।